Assalamu alaikum students. Again, we will discuss the problems related with the ratio. We have a question number 7. Before I start question number 7, I like to tell you that how can we form an original ratio by the simplified form of a ratio. क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि रेशो की सिंपलीफाइड फॉर्म से हम ओरिजिनल रेशो कैसे बना सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट रफर. आई हैव एन ओरिजिनल रेशो 2:4. We can simplify it by dividing with 2 to get 1:2. Now, I have simplified form of a ratio, say 5:6. I want to form the original ratio between two quantities whose parts are 5 and 6. मेरे पास एक रेशो है 2:4. ये सिंप्लीफाई हो सकती है. मैंने 2 से डिवाइड किया, 1:2 बन गई. इधर मैंने एक और रेशो ली है जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है. 5 and 6 आर इंटीजर्स और 5 और 6 किसी भी प्राइम नंबर से या किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है. तो मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म से ओरिजिनल रेशो बनानी है. इधर देखें, जब हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाई तो 2 से डिवाइड किया. तो अगर हम ओरिजिनल रेशो बनाना चाहते हैं तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. इसी तरह इधर यह सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो ओरिजिनल रेशो बनानी है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहां तो मुझे पता लग गया कि मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, क्योंकि ओरिजिनल रेशो भी थी, सिंप्लीफाइड फॉर्म बना ली थी. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म से ओरिजिनल रेशो बनानी है तो 2 से डिवाइड किया था तो वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दे. लेकिन यहां तो हमारे पास ओरिजिनल रेशो ही नहीं है. हाँ, इतना पता है सिंप्लीफाइड फॉर्म से ओरिजिनल रेशो बनानी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल रेशो नहीं है तो नहीं पता कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है. और जब हमें ना पता हो तो फिर हम कोई नाम रख लेते हैं, ए बी एक्स वाई. इतना पता है मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं पता किससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. आप बी भी नाम रख सकते हैं, एक्स भी नाम रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, कोई भी स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं. कैपिटल लेटर हम बहुत कम यूज करते हैं नंबर्स के लिए. तो ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगी, ओरिजिनल रेशो. टू इज टू फोर इज द ओरिजिनल रेशो एंड वी हैव टू फॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म. 2:4 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज 1:2. How can we form original ratio by simplified form? We will multiply with 2. Here, we have given simplified form of a ratio. So, we will multiply with some number. As we are not given original ratio, so we will multiply with some unknown, say a, b, x, y. Now we have learned that how can we form original ratio by the simplified form of a ratio by multiplying with some unknown. Now I start question number 7. In question number 7, a certain amount of money is shared between Rifin and Vishal in the ratio.
दिस रेशियो इज रिलेटेड विद शेयर बिटवीन रूफिंग एंड विशा। हमारे पास कुछ अमाउंट है डॉलर्स में है, उसको हमने दो पर्सन्स में डिवाइड करना है इस रेशियो में। सो वी हैव गिवन रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ रूफिंग एंड विशाल 5:9। सो लेट फर्स्ट पर्सन इज रूफिंग, इट्स रिप्रेजेंटेशन इज फर्स्ट टर्म ऑफ अ रेशियो। रूफिंग शेयर विल बी 5x डॉलर्स, और यू कैन से 5a डॉलर्स, 5b डॉलर्स। विशाल्स शेयर इज 9x डॉलर्स। अनदर थिंग विच इज गिवन फ्रॉम हियर, इफ रूफिंग गेट्स $44 लेस देन विशाल, इट मीन्स विशाल्स शेयर इज मोर देन रूफिंग। In other words, difference between the share of Vishal and Ruifeng is $44. To find difference, we will subtract. Also, difference between Vishal's share and Ruifeng's share is 44. 9x minus 5x will become 4x. After dividing with 4, we will get 11. In the third line, we have to find the total amount of money that is shared between the two boys. Total amount of money that is shared between the two boys. Boys are Ruifeng and Vishal. So we will replace the value of x to get their shares and add them to get the total amount of money. Hum x ki value Ruifeng share mein replace karenge aur multiply karenge. Phir Vishal's share mein replace karenge x ki value 11, multiply karenge. Dono ke shares aa jayenge to unko plus kar denge. To total amount of money जो दोनों बॉयज में शेयर की गई है वो आ जाएगी। सो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स रूफिंग शेयर $5x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 11, वी विल गेट $55। विशाल्स शेयर 9x डॉलर्स, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स टू गेट विशाल्स शेयर $99, एंड टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड अमाउंट, जो अमाउंट हमें चाहिए हम रूफिंग और विशाल के शेयर को ऐड कर देंगे। सो रिक्वायर्ड अमाउंट इज बाय एडिंग $55 and $99, $154. Now I do question number 8. In question number 8, Amira, Vixen and Priya make a total of 1530 twice in the ratio. This ratio is related with twice made by Amira, Vixen and Priya. Ye ratio kis cheez se related hai? Amira, Vixen aur Priya jo twice banate hain aur total twice wo itne banate hain. रेशो ऑफ
Twice Mate by Ameera Vixen and Priya. As in the previous question we will do, so let first person's twice, Ameera's twice, first person will represent first part, so Ameera's twice 12x, second person Vixen's twice 16x, and Priya's twice 17x. We are also given they made total twice 1530. So add their twice 12x plus 16x plus 17x to get 1530, it will become 45x, divide by 45 and use calculator to get 34. Now we have to find the amount of twice Vixen makes in first part. Vixen's twice 16x. Replace the value of x. 16x के बिल्कुल साथ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में लिख दे, मल्टीप्लीकेशन शो हो जाएगी. By using calculator, In second part, find the amount of money Priya earns if she is paid $1.65 for each toy. $1.65 she earns for one toy, but Priya makes 17x toys. Priya 17x toys बनाती है, एक toy की प्राइस ये है, multiply कर दें तो Priya के सारे toys की earning आ जाएगी. Multiply Priya's toys with the earning of one toy. Priya's earning of one toy multiplied with the toys made by Priya. Replace the value of x, which is 34. And by using calculator, we will get 953.70. We write 0 after decimal point to show the cents. हम पॉइंट के बाद दो डिजिट लिखते हैं, वो अमाउंट में सेंट्स को शो करते हैं.